आज का टॉपिक है टेटनस। टेटनस एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जिसमें कि मसल्स में ऐंठन होता है और दर्द होता है। यह तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, और इसी कारण इसको ये लॉक जॉ भी कहते हैं। इसका कारण है क्लोस्ट्रोडियम टेटनी नाम का जीवाणु। यह मिट्टी से, लार में, धूल, खादी आदि के माध्यम से संक्रमित कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ये हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। ये शरीर में कट या पंक्चर, मतलब स्किन में कहीं कट है या पंक्चर हुआ है या कहीं चोट लगी है, उस माध्यम से ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड है 7 to 10 days। और इसमें क्या क्या होता है, स्पैज्म होगा, स्पैज्म यानी ऐंठन होगा और बॉडी अकड़ जाएगा, जॉ मसल स्पेशली अकड़ जाएंगे, इसलिए इसको लॉक जॉ कहते हैं। गर्दन की मांसपेशियों में ऐंठन होगा, निगलने में तकलीफ होगा और एब्डोमिनल मसल सहट जाएंगे, फीवर होगा, स्वेटिंग होगा, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट का रेट जो है। और इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, बेसिकली हम इसको फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। और वंस टेटनस हो जाए तो उसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन वुंड केयर कर सकते हैं, मेडिकेशंस कर सकते हैं। मेडिकेशंस में है एंटीटॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड सेडेटिव्स। वुंड केयर यानी कि जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर हम उस वुंड का केयर करेंगे और उसके बाद मेडिकेशंस देंगे। मेडिकेशंस में है एंटीटॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स जैसे हमने पहले भी बताया था, टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थ होते हैं, एंटीटॉक्सिन्स यानी उसके अगेंस्ट में जो चीज़ें हैं, जो मेडिकेशन हम देते हैं उसको बोलते हैं एंटीटॉक्सिन्स। एंटीबायोटिक्स देंगे, वैक्सीन देंगे, जब हमें पता चलता है कि हमें चोट लग गई है किसी ऐसी चीज़ से जिससे कि टेटनस हो सकता है, तो हम वैक्सीन्स ले लेते हैं। और सेडेटिव्स लेते हैं, सेडेटिव्स इसलिए लेते हैं जिससे कि मांसपेशियों में ऐंठन और ऐंठन कम हो सके। और प्रिवेंशन में आप जैसे जानते हैं टेटनस वैक्सीन्स अवेलेबल हैं।